हम तोरे अंदाजे तो थोड़ रह गया गुड़ बा गुड़ गुड़ में एकदम गुड़ बा पर गुड़ खाओ कर बा ले जा जो मारे 1 किलो कहां ले हम कहां हम पब निकालते हैं तीन का दूसरा निकालते हैं तीन का खाली एक ही ना खाएगा अब हम जो सुस्त है वो छोटे वाला हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। खिर्ची मिर्ची लाया हूँ, देखो 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगा है, 1000 से ज़्यादा इसी में लग गया है। दाल का ही 160 रुपये किलो दाल है, 5 और 2.5 5.5 7.5 800 रुपये की दाल है। एक लीटर तेल किस पैसा हमको घर घर लग रहा है, जोड़ना पड़ेगा ना सब, उसे है नहीं। सबसे बड़ी गलती की है ना, स्लिप नहीं लाए हैं, लेकिन है सामान। आज कई दिन पहले आके रखा था, आज मैंने खोला है सामान को, खोलती भी नहीं। आज दीदी आई थी तो उनको चाय पानी देना था, तो ये बिस्किट सिस्किट मैंने निकाला और खोला। डब्बा बब्बा ले आके मैं सामान रखूँ। रामदेव जी निकल गए, अभी इसमें से तेल हटाया गया है, बिस्किट हटाया गया है, और पता नहीं क्या क्या निकाला गया है, इसमें से नमकीन निकाली गई है। महंगाई बढ़ गई है, पैसे कहीं से आने वाले नहीं हैं। घर के लोग जवाब सवाल दे दिए थे पहले से ही, अब तो टाइम ही आ रहा है जवाब देने वाला। ये तेल है पूजा वाला तेल है। देव देव पता नहीं किधर घूम रहा है, उसको लगा देव है, देव नहीं आया है। अभी तो देव कहीं घूमने निकला है। तो पहले इसकी चीनी है, एकदम खाली हो चुका था सामान। जब किचन खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो ये दाल है, चीनी है, इसमें हमने रखा किशमिश, ये मेरा कपूर है, और अगरबत्ती है। अगरबत्ती मैंने कम लिया है, 1 महीना मेरी चलेगी नहीं, पर जो है वो है, फिर लाएंगे। और देखो 5 किलो दाल में इतना दाल मेरी बच गई है, एक डिब्बा भी भर गया 4 किलो का, 1 किलो तक बची भी है। अब इन सब सामानों को मैं कहाँ रखूँ, देखते हैं। डब्बा में डालते हैं, ये डब्बा है ब्लू कलर का ना, मैं इसी में रखती हूँ सामान। जब मैं खुद लाती हूँ तो मैं अपने पास रखती हूँ। भगवान जी का सामान भगवान जी के पास होना चाहिए,
और किचन का सामान कुछ किचन में मेरे जगह नहीं है ना सारा सामान रखने के लिए, तो इसके वजह से कुछ सामान उसको इधर उधर करके रखना ही पड़ता है। मैंने लड्डू गोपाल का सिंहासन मंगाया था, आप लोग को दिखाया ही था कल भी, और बैठने पे तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बताऊँ कितने सुंदर लग रहे हैं गोपाल जी। सच में कुछ किया हुआ सफल होता है, जब भगवान के लिए कुछ करो ना तो लगता है सफल हो जाए, लेकिन भगवान मेरे लिए कुछ नहीं किए। माता जी को मैंने दिखाया ही था नवरात्र में, मैं लाई थी, ये है इनको भी मैं लाई अपने घर, लेकिन यहाँ से भी मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला। हाँ ये है कि कल्याण नहीं हो रहा है तो कुछ मतलब पेट भर रहा है किसी तरीके से। ये देखो यही है हमारा मंदिर, यही है पूजा, सबसे मैं मुख्य चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ। इनके लिए मैंने कुछ किया, ये 6 महीने से मेरे घर पे है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। अब अच्छा लगता है मुझको कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ अच्छा सा मंगाया। इसमें ना चारों तरफ छेद भी बना के दिया है कि हम इसमें झूला उला भी झूला सकते हैं। अच्छा लगा ना, भूत भूत के जैसा आता है ना इसमें, पता नहीं क्यों। इसमें इस चादर को बेडशीट बना दिया, भगवान की चादर थी ये, इसको ठंडा लग रहा था तो इसको बिछा दिया। अब जाएंगे 2-1 दिन में तो भगवान के लिए कुछ कंबल वंगल कंबल मतलब लाएंगे। काफी सारे शॉपिंग बाजार हुई तो है ही है, लेकिन कुछ कितना भी करो ना कुछ तो बाकी रह जाता है। अभी ये मेरा स्वेटर है, अभी मैं इसको 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 इधर टांगू, कहीं कहीं व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो जाती है कि क्या बताऊँ। देख रहे इस पे कपड़े, ये हमारी शॉल है, ये हमारे जो हैं 2 ठो उनका। ए छोटू छोटू ये कुर्सियाँ, ए बाबू इधर के अलमारी में आओ। ठंडा अंदर सो सब जन। तुमसे ज्यादा तो मेरा ठंडा हुआ है, तुम्हारे में बर्फ जम गया है। भगवान को ओढ़ा देना, सुला देना, भगवान को ओढ़ा दो। भगवान को ठंडी लगती है ना, तो उनको भी बिस्तर उस्तर लगा के। ये रेनू का लीड उठा लाए हो क्या तुम? ये लग रहा रेनुआ का है, इलाहाबाद गया है तो लेके गया है और उसको पहुंचाया नहीं, इतना दुष्ट है। ठंडा तो ज्यादा है, इसको किस में रखें? इसको छोटू दे रहे हैं। ए बाबू इसे पॉलिथीन में, ये सब पॉलिथीन में करके रख दो। शैम्पू है ना लाए थे, तेल है, उसको मंदिर के पास रखें। आज बड़ा अच्छा लग रहा है भगवान जी को देख के। अरे यार
यहीं कहीं टांग दो यार, इसका फटा हुआ पॉलिथीन है। शैम्पू साबुन है ना नहाने के लिए, ये पापड़ खत्म हो गया था लेकिन डब्बे उसमें था। जो भी थोड़ी मोड़ी वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग देखें। खाने में मैंने क्या बनाया है बनाते टाइम नहीं दिखाया, रोटी है और आलू गोभी मटर की सब्जी। अभी खाए नहीं हम, बस हम ही दो लोग खाने वाले थे, हम क्या कहें। चद्दर मेरी अच्छी लग रही है ना, सबसे बड़ी बात ना गर्म कर रही है ये है, इसी में का दो और लेना है मुझको। तो वीडियो को बंद करेंगे, मिलेंगे कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में। वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हैं इस बात का बहुत ही अफसोस है मुझको, तो वही बात की आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं इस बात का अफसोस है। और इधर तो जब से मैंने रीमिक्स करना चालू किया एकदम वीडियो मेरी चल ही नहीं रही है। देखिए साड़ी मैंने दूसरी पहनी है, ब्लाउज दूसरे, सुबह जो साड़ी पहने थे उसका ब्लाउज। तो भाई को जाना था ना, तो मैंने अचानक से ऐसे कपड़े जो भी थे मेरे पास मैंने डाल लिए। मुझको बहुत दिक्कत हो गई, मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। खाऊँ ना तो दर्द पीड़ा कुछ नहीं है, जब खा लेती हूँ तब दर्द होता है। तो दवाई के लिए जाना ही पड़ा, दवाई लेके आई हूँ। तब तक दीदी आई थी उनके साथ, थोड़ा मोड़ा बैठी हूँ और फिर वो लोग अपने अपने घर। फिर मेरा वही चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये वो दुनियादारी, कपड़ा बहुत ज़्यादा, अभी भी मशीन में कपड़ा दो चार ठो डाला है। देव कई यूनिफॉर्म नहीं धुल पाए थे, अभी धुल के आए हैं। तो वीडियो को बंद कर रही हूँ, मिलती हूँ कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में। चैनल पे न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो प्लीज़ देख लिया करें, प्लीज़ देख लिया करें, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, ना अच्छी लगे तभी भी चला के रख दिया करें। कितनी बार कही हूँ, इधर तो फेसबुक भी बहुत अच्छा चल रहा था, फेसबुक पेज मेरा वो भी दो दिन से डाउन ही चल रहा है, पता नहीं क्यों। एक चीज़ चलता है तो अभी इधर इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो फेसबुक और यूट्यूब तो कई दिन से चौपट पड़ रहा है, महीनों दिन से। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।